और फूड कलर डालेंगे रेड वाला, ताकि इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए। वो कलर के हिसाब से डालेंगे जितना भी आपको कलर चाहिए। या मैं तकरीबन हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। और लेमन जूस डालेंगे 1 टेबल स्पून। फ्लेम कर दीजिएगा लो, लो फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना है। 1-2 मिनट हो चुके हैं, बंद कर रहे हैं गैस फ्लेम। फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर हम मोल्ड में डालेंगे। क्योंकि बहुत स्टीम निकल रही है, धुआं निकल रही है, देखिए बहुत अभी गर्म है। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और थोड़ी देर बाद, यानी कि 5-10 मिनट बाद, जब इसका जो इसकी गर्माई है वो थोड़ी कम हो जाए, फिर हम इसमें मोल्ड में डालेंगे। इसे हमें अभी फ्रिज में नहीं रखना है, क्योंकि अभी बहुत गर्म है, देखिए स्टीम निकल रही है। इसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे हम ऐसे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि स्टीम सब निकल जाए। फिर हम इसे रखेंगे फ्रिज में, फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये थोड़ी हार्ड हो जाए। अगर इस वक्त आपने फ्रिज में रख दी तो टाइम लगाएगी ये चिल होने में, ठंडा होने में। इसके पहले रूम टेम्परेचर से ठंडा कर लीजिए, फिर फ्रिज में रखिएगा।